हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड शेयर के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो अभी आपको देखें क्या मिल रहा है स्टॉक में। देखने को स्टॉक यहाँ दिसंबर में टॉप बनाया था 688 के आसपास। फिर से स्टॉक एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने के बाद स्टॉक में एक रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन फिर से स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता दिख रहा है। अगर मैं बात करूं यहां तक एक रिकवरी देखने को मिली थी स्टॉक में, उसके बाद देन रिकवरी दिखाने के बाद स्टॉक में फिर से आपको नीचे धकेलना शुरू कर दिया। एक सपोर्ट यहां बनाया, रेजिस्टेंस बनाया और उसके बाद स्टॉक में एक गैप डाउन दिखाया। तो अभी क्या स्थिति है इसमें बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी एक स्टॉक जो है, मैं बात करूं तो एक सपोर्ट बना, ये वाला सपोर्ट है इस स्टॉक के लिए। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये है। तो फ्रेंड्स, अभी स्टॉक एक सपोर्ट ये ले रहा है, अगर मैं बात करूं तो ये वाला काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये लिए। तो अभी क्या इसमें हो सकता है फ्रेंड्स, अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ता है 479 से 478 का लेवल अगर स्टॉक तोड़ता है, सॉरी एक मिनट सेटिंग में पर, हाँ 472 का लेवल अगर स्टॉक तोड़ता है तो फिर आप इसमें वेट करेंगे 435 रुपए के लेवल तक के लिए। अगर 435 के लेवल से स्टॉक में बाउंस बैक देखने को मिलता है तो फिर एंट्री लेंगे, नहीं तो दूर रहेंगे। अगर स्टॉक यहां से रिकवरी देता है, अगर यहां से स्टॉक में एक लेवल टूटता हुआ दिखता है, लेवल क्या है वो लेवल है ये वाला 492 रुपए का लेवल अगर स्टॉक तोड़ता है तो फिर आप ये वाले टारगेट के लिए जा सकते हैं 566 रुपए के टारगेट के लिए। तो और अगर 566 का लेवल टूटता है तो फिर आप जाएंगे 688 के टारगेट के लिए। तो अभी देखते हैं क्या होता है, लेकिन फ्रेंड्स मुझे लग रहा है स्टॉक अभी थोड़ा सा यहाँ टाइम स्पेंड करेगा। अगर यहाँ से नीचे नहीं जाता तो फिर स्टॉक यहीं पर टाइम स्पेंड करेगा और उसके बाद आपको एक ब्रेकआउट देगा। लेकिन हो सकता है स्टॉक नीचे भी जाए, क्योंकि जिस तरह से ब्रेक डाउन हुआ है उस स्टॉक में, उस तरह से स्टॉक में बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स अभी दूर रहे स्टॉक से, वेट करें, जैसे ही कंफर्मेशन होती है तब इसमें एंट्री लेंगे। तो मेरी यही सलाह है, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया स्टॉक में। अगर मैं मानता कि 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट कर रहा है, फिर भी एक चांस हो सकता था ऊपर जाने का, लेकिन अभी चांस कम लग रहे हैं। अगर अचानक से कोई न्यूज आती है या गैप अप खुलता है तो वो अलग बात है। तो वेट करें कंफर्मेशन का, उसके बाद ही स्टॉक में एंट्री। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।